हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है और पिक अ ग्रुप या पिक अ पाइल रीडिंग है। नॉट नेसेसरी आपको कोई ग्रुप सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स दिए हैं मैंने, तो इनिशियल्स आपके पार्टनर का जो नाम का पहला अक्षर है वो किस ग्रुप में आता है, आपको वो सिलेक्ट करना है ग्रुप, ठीक है, और उसकी रीडिंग देखनी है। टॉपिक बता दूं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं, उनके डीप फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट फिर भी गाइज, हमेशा की तरह बता दूँ, ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात मैच करेगी ही, ज़रूरी नहीं है। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी चीज़ें यहीं छोड़ जाइए। अगर ये आपकी पर्सनल रीडिंग है तो डेफिनेटली, अगर रेजोनेट नहीं होता है आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन जनरल रीडिंग में रेजोनेट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आप कुछ गलत बोल रहे हो, ये सब मत बोला करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर वन। अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर ए से लेके एम के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। ग्रुप नंबर वन देखते हैं, डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के आपके लिए इस वक्त, उनके डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। जितना आप अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे, उनको विजुलाइज करोगे, उनका नाम अपने मन में दोहराओगे, उतने क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ना, ग्रुप नंबर वन, अगर आपके पार्टनर का नाम ए से लेके एम के बीच में आता है ग्रुप नंबर वन, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस था बहुत टाइम से, ठीक है। जैसे हो सकता है किसी ने उनके ऊपर के कुछ कुछ ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल ऐसा कुछ करवाया था, जिसके वजह से क्या हो रहा था ना, आपके पर्सन होश में ही नहीं थे, वो आपको लेकर कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे थे, वो आपके अच्छाई को, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे थे। एक धुंधली एनर्जी, मतलब इस पर्सन की आंखें जैसे धुंधली हो गई थी। उनको दिल में ये चीज़ पता थी कि आप बहुत प्यारे हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आप बहुत लवेबल हो, आप बहुत गिविंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आपकी आप उन आपसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं हो सकता, ये भी उन्हें पता था। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी थी, कोई कर्स था, कुछ किसी ने किया कराया था, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे आपको लेकर। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, आपको ये फील होता था कि ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके एक्शंस और इसके जो सोच, मतलब इसका जो बोलना है और इसके जो एक्शंस है, वो मैच नहीं कर रहे। आपको हमेशा ये फील होता था कि ये जो फील कर रहा है वो अलग है और ये जो बिहेव कर रहा है वो अलग है। अभी इसलिए था क्योंकि कुछ नेगेटिविटी थी यहाँ पे जो खत्म हो चुकी है। या तो आपने कुछ ऐसा अपने साइड से ट्राई किया होगा, आपको मे बी पर्सनल रीडिंग में या रीडिंग से पता चला होगा, और आपने रीडिंग कराई होगी और आपको पता चला होगा कि हाँ कोई नेगेटिविटी है और आपने उस पर काम किया होगा, या फिर ये नेचुरली ही हुआ है। तो अब आप देखोगे कि ये पर्सन आपके लिए रिस्पेक्ट, प्यार, अपनापन, केयर, सब कुछ फिर से फील करना इन्होंने शुरू कर दिया है। जो फीलिंग्स इनकी कहीं ना कहीं दब गई थी, जो फीलिंग्स कहीं ना कहीं इनकी, जैसे होता है ना, पैशन कम हो गया था इनका, वो आप इनके अंदर अलग ही लेवल पे देखोगे, वो पैशन, वो प्यार, वो फीलिंग्स। अब इनके अंदर आपको लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा, अब ये जो मन में आएगा वो एक्सप्रेस करेंगे। आप देख रहे हो कितने जल्दी जल्दी वैक्स गिर रहा है। यही है एक बहुत बड़ा साइन कि आपके पर्सन अब जल्दी जल्दी एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, जो फील कर रहे हैं बता देंगे, चाहे फिर उनको अच्छा लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, इट डजेंट मैटर टू दिस पर्सन। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि बहुत हैवी हार्ट हो रहा है मेरा, मैं अब नहीं अपनी फीलिंग्स छुपा सकता और मैं नहीं अपनी प्यार से भाग सकता, अब मुझे अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है। इनके लिए जैसे हो गया टू मच,
कि नहीं भाई अब नहीं, अब बहुत सह लिया, बहुत अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया, बहुत प्यार से भाग लिया, अब नहीं, अब मुझे एक्सप्रेस करना है, अब जो फील कर रहा हूँ वो जताना है. ओके मुझे ये भी लग रहा है कि अब उन्हें फाइनली 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 ये समझ आ गया है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे. देखो ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था, लेकिन वही बोल रहे हो ना, कुछ नेगेटिविटी थी जिसके कारण इनको वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. वो सिर्फ आपके बुरी साइड को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे. देखो बुराई सब में होती है, हर इंसान में बुराई होती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, उस भगवान को छोड़ के कोई परफेक्ट नहीं है. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता था, लेकिन अब रियलाइज़ हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि हाँ यार इसकी वैल्यू मेरी ज़िंदगी में बहुत है. ओके क्योंकि ना आपकी यादों से उनको छुटकारा मिल रहा है, ना वो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आपकी जगह किसी और को दे पा रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्यार है. आप मतलब उतना वर्थ इट हो आप. ओके ऐसे बोल सकते हो, ये पर्सन आपके प्यार में पिघल रहे हैं, लिटरली पिघल रहे हैं. ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन इस रिश्ते पे ही नहीं, अपने आप पे भी ध्यान देना इन्होंने शुरू कर दिया है, खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद को ढूंढना शुरू कर दिया है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है. आप कह सकते हो ये पर्सन होश में आ गए हैं, लिटरली ये पर्सन होश में आ गए हैं. इनको पता चल चुका है कि एग्जैक्टली लाइफ होती क्या है, प्यार होता क्या है, यू नो कैसे रिश्तों को संभाला जाता है, कैसे रिश्तों को इम्पोर्टेंस दी जाती है. ओके ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, अपने करियर को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, अपनी हेल्थ, मतलब हर वो चीज़ जो ज़रूरी है जिस पे वो अब तक ध्यान नहीं दे रहे थे, उन सारी चीज़ों पे ही अब ध्यान देना चाहते हैं, उस सारी चीज़ को ये इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं अपनी लाइफ में. ओके बस उनको एक ही चीज़ का डर लग रहा है, क्या आप उन्हें एक सेकेंड चांस दोगे, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उन्हें समझोगे, क्या आप उन्हें वापस अपनी लाइफ में आने का मौका दोगे. बस एक ही चीज़ उन्हें डरा रही है या कंफ्यूज कर रही है, बाकी किसी चीज़ से वो अब ना तो डर रहे ना तो किसी चीज़ से अब उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है. दे आर वेरी श्योर अबाउट यू, दे आर वेरी क्लियर अबाउट यू. ओके आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में पूरे श्योर है अब ये पर्सन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. ओके अब ये पहले ना ये रास्ता ढूंढते थे आपसे दूर जाने का, फैमिली नहीं मानेगी, शादी नहीं हो पाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपके लाइफ में रहा जाए, कैसे रिश्ते को निभाया जाए, कैसे आपके साथ इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर ले जाया जाए. ओके तो उनका फोकस बदल चुका है, काफ़ी पॉजिटिव बदलाव आए हैं गाइस इस पर्सन के अंदर, जो आप देखोगे या देख रहे होंगे ऑलरेडी. ओके अब ये रिस्क भी लेना चाहते हैं आपके लिए, आउट ऑफ वे जाके आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं. ठीक है तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ. बेसिकली आप कह सकते हो इस इंसान को समझदारी आ चुकी है. एक समझदारी होना ना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में. जब तक आप समझदार नहीं बनते तब तक रिश्ता ठीक नहीं चलेगा. आपके पर्सन अब समझदार हो चुके हैं. ओके सारी चीज़ें अब उन्हें समझ आ चुकी है, क्या सही है क्या गलत है, कौन इंसान उनके लिए सही है कौन गलत है, कौन उनके उनको भटका रहा है, कौन उन्हें सही रास्ते पे ले जा रहा है. ओके आपकी वैल्यू कितनी है उनके लाइफ में, आप कितने अच्छे इंसान थे, आपने उन्होंने आपके साथ कितना कुछ बुरा किया, ये उन्हें समझ चुका है. ओके और समझ रहा है वक्त के साथ. पहले क्या होता था, आप इनको कुछ भी बोलते थे ना, अपनी प्रॉमिस देते थे, उनको कुछ अच्छा समझाते भी थे, वो सुनते तो थे लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. आप बोलते थे ना तुम एक दिन मेरे लिए रोओगे तड़पोगे, ये जो प्यार मैं कर रही हूँ ना तुमसे ये कोई नहीं कर पाएगा, तब वो हंसते थे आप पे, मजाक उड़ाते थे आपके प्यार का, आपकी फीलिंग्स का. बट अब क्या हुआ है, अब वो खुद समझ चुके हैं कि यार वो सही कहती थी, वो सही कहता था, उसके से उससे बेटर मुझे कोई नहीं मिल सकता, उससे बेटर प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता, उससे बेटर मुझे समझ कोई नहीं सकता. और ये तभी होता है जब इंसान के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो हट जाए, जो नज़र लगी आपके रिश्ते पे या आपके पर्सन पे या आप पे, वो हट जाए, तब ये पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलती है किसी भी रिश्ते में. तो आप रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल ज़रूर कराएं. आपको अगर अभी भी लगता है बहुत नेगेटिविटी है, लड़ाई है, थर्ड पार्टी इशूज़ है, रिलेशनशिप यू नो हीलिंग रिचुअल से सारे ऑब्स्टेकल्स अपने आप हट जाते हैं धीरे धीरे. ठीक है सो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको बुकिंग करानी है तो आप करा सकते हो, नॉट नेसेसरी. ठीक है गाइज मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर आप अपने रिश्ते के बारे में किसी से शेयर करते हो, आपकी बात कर रहे हो,
किसी से भी शेयर करते हो, चाहे आप उसको बेस्ट फ्रेंड मानते हो, बहुत क्लोज आपका फैमिली मेंबर है कोई, किसी से अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी शेयर मत करो, क्योंकि सैडली आप जिनसे शेयर कर रहे हो ना, वो आपसे खुश नहीं है, या वो आपसे जलते हैं, या वो आपके लव लाइफ से जलते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आपका रिश्ता ऑलरेडी काफ़ी कुछ नेगेटिविटी से बच के निकल चुका है, आगे बढ़ चुका है, प्लीज़ और नेगेटिविटी में उसको मत डालो। प्लीज़ किसी को अपने रिलेशनशिप की जो डिटेल्स हैं वो मत दिया करो, ठीक है? जितना चुप रहोगे उतना खुश रहोगे, जितना जताओगे बताओगे उतना प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप की बढ़ती जाएगी, ठीक है? सो प्लीज़ स्टॉप शेयरिंग, बताना छोड़ दो। ये एक चीज़ कर लो, रिश्ता आपका पहले से भी बेहतर हो जाएगा। जितना पहले ब्यूटीफुल था ना, जहाँ पे आप दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ, उससे भी और कई गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। प्लीज़ शेयर करना बंद कर दो, ठीक है? शेयर किससे करो? सिर्फ ऊपर वाले से। प्रे करो, उनको बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, उनको बताओ आपको क्या चाहिए उनसे, वो देंगे आपको। सब्र रखो, ठीक है? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो अगर किसी को बता रहे हो तो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, आपको और ज़्यादा अपने एनर्जी को पॉजिटिव बनाना चाहिए। खुद पे काम करो, ओके? यस, खुद पे काम करो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हद तक डिवाइन बन चुके हो। आप स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आपने खुद पे काम करना शुरू कर दिया है, उसको और एनहेंस करो, ठीक है? यस, रोज क्वार्ट्स पहनो। अगर आप लड़की हो जो ये वीडियो देख रहे हो, आपको रोज क्वार्ट्स पहनने की बहुत ज़रूरत है। उससे क्या होगा, आपकी जो एक फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस होगी, ठीक है? सो प्लीज़ स्टार्ट वेयरिंग योर रोज क्वार्ट्स। एंड लव मैग्नेट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो, जो मैं देती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपके पर्सन आपकी तरफ और खींचेंगे, और अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? एक वक्त था जहाँ पे आप इमोशनली बहुत अनस्टेबल थे, आप में से कुछ लोग तो अभी भी हो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उस फेज से बाहर निकल चुके हैं, बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, विजन क्लियर हो चुका है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ चुकी है, ओके? अपनी वैल्यू समझ चुके हो, खुद पे काम करना आपने भी शुरू कर दिया है। पहले आप फैमिली पे ध्यान नहीं देते थे, अब आप देने लग गए हो। देखो देखो, देख रहे हो यहाँ पे गाइस कितना ब्लैक एनर्जी देख रहे हो? ये एनर्जी है उस नेगेटिविटी की जो आपके रिश्ते को स्पॉइल कर रही है, ठीक है? जो निकल चुकी है, पूरी तरह से निकल चुकी है, डोंट वरी फॉर दैट। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ गाइज, अगर आप अपने रिलेशनशिप को और बेटर करना चाहते हो, आप रेड के जो शेड्स होते हैं ना, जैसे रेड, पिंक, मैरून, ऑरेंज, ऑरेंज रेड, ये शेड्स ज़्यादा यूज़ करो। येलो भी ये ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जिससे ये आपके लिए एक रेमेडी बता रही हूँ मैं, ठीक है? रेड, ब्लू, पर्पल, ये तीन कलर्स हैं जिसके शेड्स आपको यूज़ करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सॉरी गाइज, बहुत ज़्यादा मुझे चटका लग रहा था। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि आप रेड कलर, पिंक कलर, मैरून कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर के शेड्स या पर्पल शेड्स ज़्यादा यूज़ करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी और बढ़ेगी आपके रिलेशनशिप में, हील होगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है? सो या, दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर वन। कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कोई भी रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल करानी है, सेल्फ हीलिंग रिचुअल करानी है, रीयूनियन रिचुअल करानी है, बहुत तरीके के रिचुअल्स मैं करती हूँ, कैंडल हीलिंग रिचुअल्स, तो आप कराना चाहते हो मुझसे तो करा सकते हो। बहुत सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। और गाइज, बहुत जल्दी आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल चीज़ आने वाली है, जो आप रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ कर सकते हो, खरीद सकते हो आप। प्राइजेस भी मिनिमल होंगे, और यहीं पे यूट्यूब पे ही आपको वो चीज़ देखने मिलेगी, तो यूट्यूब से डायरेक्टली आप मंगा सकते हो, ठीक है? तो मैं उस पर काम कर रही हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ज़रूर वो चीज़ मंगाना, ताकि मुझे हमारे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट मिले, मैं कार्ड्स ले सकूँ, मैं चैरिटी कर सकूँ उन पैसों से, ठीक है? सी यू नेक्स्ट वीडियोज़ गाइस, बाय। हेलो ग्रुप नंबर टू, चलिए देखते हैं डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के आपको लेकर। प्लीज़ प्लीज़ उनके बारे में सोचिए, जितना सोचोगे क्लियरली, जितना उनको विजुलाइज करोगे, फील करोगे, उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे, ठीक है ग्रुप नंबर टू? चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग, देखते हैं। ओके,
ग्रुप नंबर टू, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि पर्सन ना किसी के बातों में आकर या किसी से इन्फ्लुएंस होकर ये आपसे दूर चले गए थे, ठीक है, और दूर भी ऐसे चले गए जिसमें इन्होंने ना तो आपको क्लोजर दिया ठीक से, ना तो प्रॉपरली आपको जवाब दिया, ना तो अपना रीज़न बताया, और अगर रीज़न दिया तो वो रीज़न रीज़न था ही नहीं, बहुत ही बकवास रीज़न था, वो कोई रीज़न नहीं था दूर जाने का। और अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, ओके, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा है कि जो रीज़न उन्होंने दिया था वो सही नहीं था, जिनके वजह से वो रीज़न डिसीजन उन्होंने लिया था, जिनके बहकावे में आके उन्होंने वो डिसीजन लिया था, या जिसके वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया था, वो वजह ही नहीं रही, या वो वजह ही नहीं थी, सही नहीं थी वो वजह, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस, बहुत क्लियरली मैं ये चीज़ देख रही हूँ, वो वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बस एक मौके के इंतज़ार में है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा लग रहा है जैसे उनका सारा घमंड, उनका सारा गुस्सा, अग्रेशन, सब कुछ खत्म हो चुका है, ओके। पहले ये इंसान बहुत घमंडी था, सिर्फ खुद के बारे में सोचता था, सेल्फिश था, बट अब कहीं ना कहीं ये इंसान, उसके अंदर इन जो मैं क्वालिटीज़ बता रही हूँ, स्टबर्न होना, ईगोइस्टिक होना, एरोगेंट होना, गुस्सा, ये सारी चीज़ें अब नहीं रही, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है उनके अंदर से, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो गलत थे, आप गलत थे ही नहीं कहीं पे, तो आप पे गुस्सा करना, आपको ईगो दिखाना, एटीट्यूड दिखाना बनता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं बनता। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन पहले सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते थे, देखो बुझ गई, वेट अ मिनट, मुझे ना पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको दुख देकर ना खुद से दुखी हो चुके हैं, ओके, चलो लाइट करते हैं। यस, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की सुन रहे हैं। पहले क्या होता था, ये सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते थे, आप इनको दिल से कुछ समझाने जाते थे, इमोशनल होकर कुछ समझाने जाते थे, आप रो पड़ते थे, आपके आंसू आंखों से आंसू निकल आते थे, आप इनको समझाने लग जाते थे कि भाई ऐसा है ऐसा नहीं है, मैं इतना प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना है, शादी करनी है, तो ये पर्सन आप पे हंसते थे, आपकी फीलिंग्स की तब इन्हें कदर नहीं थी, क्यों, इमोशनल नहीं थे तब आपको लेकर, बहुत प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकली सोचते थे बहुत ज़्यादा। और अब क्या चेंज आया है इनके अंदर, बहुत प्रैक्टिकल से बहुत इमोशनल हो गए हैं, दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, दिल को सुन रहे हैं, दिल की आवाज़ को पहचान रहे हैं, ओके, उनका दिल उनको बार 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 आपकी तरफ खींच रहा है, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत बार ना ऐसा हुआ है कि ये जो साइकिल है इनका, जाना आना, ब्रेकअप पैचअप, ये बहुत बार हो चुका है, एक साइकिल में ये चीज़ें चल रही है काफ़ी टाइम से, तो आपके लिए भी ना मुश्किल हो चुका है समझना कि अब ये इंसान सच में बदल गया है या ये अब भी वैसा है, आप भी कंफ्यूज हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये इंसान पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्या ये पर्सन अब ट्रस्ट वर्दी है, मतलब आपको समझ नहीं आता, जब ये इंसान आता है ये ऐसी एनर्जी में आता है मानो कि ये कभी नहीं जाएगा और ये वापस चला जाता है, ओके। बट इस बार डिफरेंट ये है, सेल्फिश मोटिव से नहीं आ रहे हैं, दिल के अंदर से उन्हें आवाज़ आ रही है कि उन्हें आपके पास आना है, ओके। इस इंसान की सबसे बुरी आदत है रीज़न, गलत सिली रीजंस देना, झूठ बोलना, भाग जाना लाइफ से आपके, बार बार अवॉइड करना, इग्नोर करना, आपके लाइफ से गायब हो जाना, गोस्ट कर देना आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब इस पर्सन का ये जो उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, ऐसा लग रहा है वो ख़त्म हो चुकी है, छल कपट झूठ बोलना ये सारी चीज़ें, वो क्वालिटी ही उनके अंदर अब नहीं है, बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत बदल गए हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हो गए हैं, ओके, तो अच्छी बात है, इनके अंदर जो बदलाव आए हैं वो अच्छे बदलाव आए हैं, ओके। काफ़ी उनको खुद को काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है, काफ़ी क्लैरिटी उनको खुद को आ चुकी है कि यार मैं जो कर रहा था अब तक वो तो गलत था, किसी इंसान के साथ ऐसा करने की मुझे पहली बात तो हक ही नहीं है, इंसानियत के नाते ही मुझे हक नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं, मैं किसी को दुखाऊं, किसी का दिल दुखाऊं। मुझे पता नहीं, एक सॉन्ग याद आ रहा है, दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम,
जरूर सुनना वो सॉन्ग, ऐसा लग रहा है उस गाने में ना इस पर्सन की सारी फीलिंग्स छुपी हुई है। जरूर सुनना, मस्ती मूवी का गाना है, जरूर से सुनना इसके बाद, ठीक है। उसका सेकेंड पार्ट भी आया है ना, वो भी सुनना। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन अब ऑनेस्ट हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, प्योर इंटेंशंस हो चुके हैं इस पर्सन के, सच्चाई मैं इनके अंदर बहुत अलग ही लेवल पे देख रही हूँ। और ऐसा भी लग रहा है जैसे वो जो झूठ का मुखौटा था ना, झूठ बोलना, छल कपट करना, चीटिंग करना, आपको हर्ट करके खुश होना, फीलिंग्स ना होने का एक मास्क पहनना अपने चेहरे पे, वो सब जैसे वो टूट के बिखर चुका है। ओके, यस, जैसे वो मास्क खुद उन्होंने हटा दिया है अपने चेहरे से। ओके, अब आप देखो, आप अगर उन्हें मौका देते हो ना, ये पर्सन रिश्ते को ठीक भी करेंगे और आपके लाइफ में वापस भी आएंगे, और पहले से बेहतर होकर अब आपके लाइफ में आएंगे, जो कि सबसे अच्छी बात है इस रीडिंग की। ऐसा लग रहा है जैसे अब पहले जैसे वो नहीं रहे, काफ़ी बदल चुके हैं, किसी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर अब नहीं है, किसी से, थर्ड पार्टी से किसी से अटैचमेंट नहीं है, वो ईगो नहीं रहा, घमंड भी चकनाचूर हो चुका है, दिल की आवाज़ सुनने लग गए हैं, पुराने पैटर्न्स को अब रिपीट नहीं करना चाहते हैं, भागना नहीं चाहते हैं, गोस्ट नहीं करना चाहते, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं और प्रिटेंड नहीं करना चाहते। ओके, छल कपट नहीं करना चाहते, ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके साथ। पहले भी ऐसा भी हुआ था, इस पर्सन ने ऐसा भी किया होगा पास्ट में, कि जितनी फीलिंग्स है उससे कई गुना ज़्यादा आपको शो करी। अगर 10% प्यार करते हैं, ऐसा दिखाया कि 100% करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। ओके, और फिर वो अगर टूट गई तो दिल टूट जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है, इस पर्सन ने आपको इतना प्यार है और इतना दिखाया, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई, और जब वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई फिर ये आपको छोड़कर चले गए, इग्नोर करने लग गए, इनका प्यार कम हो गया, इनका पैशन कम हो गया, फिर किसका दिल टूटा? आपका, राइट? या तो ईगो की वजह से इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ा था आपसे, या फिर किसी और की इन्फ्लुएंस में आके। ओके, या फिर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही नहीं आती थी रिश्ते की। ओके, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने आती है रिश्ते की, ये भागने में बिलीव करते हैं। मैंने इसके पहले भी रीडिंग में ये वर्ड यूज़ किया है, भगोड़ा, भगोड़े इंसान है ये, ठीक है। हाँ गाइज, मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, बहुत लोग है ना मेरे ऊपर बकवास लगाते हैं कि आप ओल्ड रीडिंग डालते हो, ठीक है, मैंने कभी डाली होगी, अब री अपलोड की होगी, लेकिन आज का मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको, 8 सितंबर है, यहाँ पे संडे, आई होप कि आपको दिख रहा है, तो प्लीज़ फालतू की बातें मत करना, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ दिख रही है कि, और आपको पता नहीं है मैंने वो वीडियो क्यों री अपलोड करी है, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा रीज़न था, इस वजह से मैंने वो वीडियोस री अपलोड की थी, और आपको वो रीज़न समझेगा ना आप रो दोगे, ठीक है। मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में बताने के लिए, मैं किन हालातों से गुजर रही थी मुझे पता है। तो अगर आपको पता नहीं होती है ना कुछ चीज़ें, तो बकवास मत किया करो। मैं हेटर्स के लिए बोल रही हूँ, जो मुझसे प्यार करते हैं वो, वही उनको तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, एंड उनके साथ मेरी दुआएं है, प्यार है बहुत सारा। एनी वेज, बिकॉज लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग, रीडिंग के बाद में बात करेंगे। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन के अंदर एक इंसानियत जगती हुई दिख रही है, एक लवर जो खो गया था, जो दब गया था, जो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था, वो वापस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अब वो आपके साथ भी, वो चाहते हैं कि आप भी उनसे कुछ मत छुपाओ, आपके लाइफ में भी उनके अलावा कोई नहीं आना चाहिए, आपके लाइफ में किसी के साथ आपकी कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए उनके अलावा, तो वो आपसे भी ऑनेस्टी की ही उम्मीद रख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको इंश्योर करेंगे कि पास्ट की गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा, आई वोंट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स, ठीक है, मैंने पास्ट में चीज़ें करी, मैं गलत रहा, बट अब नहीं, अब मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता, ठीक है। एक बात मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, जो मैंने फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग जब कर रही थी तभी भी मुझे फील हुई और अभी भी मुझे फील हो रही है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करके अपने रिश्ते के बारे में बताते हो, सारी डिटेल्स बताते हो, झगड़ा हो गया, उसने ये बोल दिया, उसने ये, बंद कर दो, कोई है जो आपके रिश्ते को या तो नज़र लगा रहा है, या तो आपको गलत राय दे रहा है, या तो हो सकता है आपके पार्टनर को जाके आपकी बातें बताते हो, वो भी मीट मिर्च लगा के, नमक मिर्च लगा के, मीट बोल दिया मैंने, मराठी हूँ इसलिए, बट डेफिनेटली यहाँ पे प्लीज़ किसी पे ट्रस्ट करके, किसी से भी, चाहे वो आपका कज़न ही क्यों ना हो, आपको नहीं बताना है, ठीक है। जब भी आपका कज़न आपको पूछे कैसा चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है,
इतना ही बोलना है आपको, या आपका फ्रेंड पूछे आपको, रिश्ते के बारे में किसी से भी शेयर करना बंद कर दो प्लीज गाइस, क्योंकि रिश्ता दो लोगों के बीच में होता है, उसमें थर्ड पर्सन को नहीं पता होता है और वो गलत चीज़ें फैलाता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है गलत तरीके से। तो प्लीज़ किसी को अपने रिश्ते के बारे में मत बताओ, डोंट शेयर एनी वन अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है? वरना क्या होगा, आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाएगी और लोग मज़े उठाते जाएंगे। ओके, तो मैं ये बता रही थी, हाँ मैंने कभी कभी वीडियोज़ रीअपलोड करी है, उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन्स भी थे और कुछ मेरे अपने पर्सनल रीजन्स भी थे, ठीक है? सो प्लीज़ आपको जब नहीं पता होता है, किसी को जज मत किया करो, ठीक है? आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि आप क्यों रीअपलोड कर रहे हो, अच्छे से पूछते तो मैं अच्छे से बता दी। काफ़ी लोग बहुत रूडली बात करते हैं, रूडली कमेंट करते हैं, तो ऐसे रिप्लाइज तो मैं नहीं देती हूँ। रूड लोगों को तो मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं देती हूँ, और रूड लोगों को मेरा प्रॉब्लम है, मैं रूडली रिप्लाई देती हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, ठीक है? ये मैं नहीं बदल सकती। जहाँ पे हम्बल होने की ज़रूरत है मैं वहीं पे हम्बल होंगी, जहाँ पे मुझे रूड होने की ज़रूरत है मैं वहाँ पे रूड होंगी। मैं मीठ मिठू मैया बन के नहीं रह सकती, मेरा ये नेचर नहीं है, जो है मुँह पे बोल देती हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे। बट एक तरीका होता है हर चीज़ को बोलने का, ठीक है? वही मैं बोल रही थी कि अगर आपको रीज़न पता चल जाए ना कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ, तो आप ये सवाल पूछोगे ही नहीं। और देखो वैसे भी मेरी सारी वीडियोस टाइमलेस होती हैं, राइट? उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। तो चलो मैंने 1 साल पहले कोई वीडियो बनाया और वो मैंने आज डाला, तो भी वो आपसे रेजोनेट करेगा, क्योंकि टैरो रीडिंग्स टाइमलेस होती है, स्पेशली ये जनरल रीडिंग्स टाइमलेस होती है। तो प्लीज़ कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा ना क्या कर, पता है आजकल ना मुझे बहुत ही ताज्जुब लगता है, पहले तो चलो सोशल मीडिया नहीं था तो लोग इतना मतलब एक दूसरे को तुरंत तुरंत कुछ कुछ बोलते नहीं थे, जज नहीं करते थे। सोशल मीडिया आ गया तो लोग कमेंट्स करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी भी लोगों की वीडियोस देखती हूँ ना, जैसे जनरल एंटरटेनमेंट वीडियोस या कोई सेलिब्रिटी की वीडियो या इंस्टाग्राम पेजेस, फेसबुक पे तो भाई इतना नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, इतना जज करते हैं। पहली बात तो आपको पता ही नहीं है सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है या क्या हुआ है, तो आप जज मत किया करो किसी को, और कर्मा बना रहे हो आप अपना, बैड कर्मा। एक एक कमेंट आप गलत गलत किसी को करते हो ना, वो आपका बैड कर्मा बन जाता है, फिर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, फिर आपको लगता है भाई ये कैसे हो गया, मैंने तो कभी, भगवान मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। तो आप ये जो कमेंट्स भी करते हो ना, ये भी कर्मा, एज अ कर्मा ही काउंट होता है। जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, जो आप लिखते हो, जो आप सोचते हो, वो आपका कर्मा बन जाता है। तो ये जो बैड कमेंट्स कर रहे हो ना, ये आप सोचो, आप अपना नेगेटिव कर्मा, जो बैड कर्मा है वो बढ़ा रहे हो। तो प्लीज़ स्टॉप कमेंटिंग नेगेटिव। अगर कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव नहीं है आपके पास, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो बुरा मत बोला करो किसी को, ठीक है? और जब आप गहराई में जाके, सच में डीपली जाके सोचोगे कि आप, आज सोचो आप कल कि आपने कितनी वीडियोस देखी होगी उस यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और आपने हक किसी के कमेंट में जाके कुछ गलत बात बोली होगी ना, वो एक बैड कर्मा, एक कमेंट आपका एक बैड कर्मा बन गया, राइट? तो प्लीज़ आप गुड कर्मा तो वैसे भी, ये जो नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं ये गुड कर्मा तो वैसे भी करते नहीं है, बैड कर्मा पे कर्मा किए जा रहे हैं। तो सोचिए आप कितना बैड कर्मा एक्यूमुलेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। बैड कर्मा एक्यूमुलेट मत करिए, अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी मत करिए। और आपको अगर ऐसा लगता है, कमेंट करके आप लोगों से तो छुप जाओगे उस फेक आईडी के पीछे, लेकिन आप भगवान से नहीं बच सकते, उसको पता है कि आप क्या बोल रहे हो किसको, ठीक है? तो प्लीज़ किसी को भी कुछ मत बोला करो, ठीक है? हाँ ठीक है, आप क्या बोलते हो उसको, कोई मजाक का कॉमेडी वीडियो है, आप उस पर हंसो, उस पर कमेंट करो, लेकिन हर्टफुल कमेंट्स किसी को मत किया करो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है, मेरा काम है आपको अच्छे से इन्फ्लुएंस करना, करना ना करना वो आपके हाथ में है। तो आपको नहीं पता मैं किस दौर से गुजरी हूँ, तो प्लीज़ मत बोला करो। एंड वैसे ही आपको नहीं पता होता कौन किस दौर से गुजर रहा होता है, तो प्लीज़ किसी को कुछ मत बोला करो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। देखो वीडियो, लाइक करना है करो, नहीं करना है करो, और आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो आज से ये अपनाओ, आप हेटर्स को ही बोल रहे हो, मैं अपनाओ ये टेक्निक, किसी को बोला बुरा मत कमेंट करो, वो आपका बैड कर्मा बन रहा है। और अभी आपको लग रहा होगा हाँ हमारी मर्ज़ी, हम करेंगे बैड कर्मा, तुझे क्या, करो फिर, मुझे क्या करना है, मेरा वही तो मैं बोल रहा हूँ, काम क्या है मेरा, इन्फ्लुएंस करना पॉजिटिवली, आपकी मर्जी, आपको होना है इन्फ्लुएंस या नहीं होना है। क्योंकि वही होता है ना कि आप किसी को गुलाब का फूल दे रहे हो ना, तो वो किसी को उसकी खुशबू अच्छी लगेगी, उसका रंग अच्छा लगेगा, और कोई बोलेगा कि यार इस पे तो कांटे हैं। तो वही होता है, नज़रिया है अपना अपना,
देखो आपको क्या करना है, ठीक है? और भाई मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। रूड बोलोगे रूड कमेंट्स मिलेंगे, रूड रिप्लाई मिलेगा, ठीक है? क्योंकि भगवान यही सिखाता है, अपने लिए लड़ो, अपने लिए स्टैंड लो। आपको कोई बोल रहा है बुला बुरा भला, सुनो सुनो सुनो, फिर एक टाइम बाद आप रिप्लाई दो, ठीक है? क्योंकि आप अपने लिए खड़े नहीं रहोगे तो कोई नहीं रहेगा, समझ रहे हो? डिफरेंस होता है खुद के लिए खड़े रहने में और बेफिजूल का किसी के कमेंट सेक्शन में जाके आप बुरी बातें बोल रहे हो, उनको बुरा बोल रहे हो, उनको नीचा दिखा रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, इसमें फ़र्क होता है। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।